ये भैया देखा ही हंसी खुशी वाली जिंदगी कितना मजेदार बा। इहो लगत बा 16 सोमवार के व्रत करत हले हम, शंकर जी के पूजत हले हम, शिवरात्रि में निराजोल रहत हले हम, तब जाकर के इनके जैसन हमार दोनों नैना बा औसत दोनों नैना के तरह इनके नैना और मैना में गोर लगता नहीं। हमार नाम भाई अमित प्रताप मिश्र, हम पहुंचल बानी यूपी के अयोध्या के हैदरगंज में, और हैदरगंज में आज हमारे मुलाकात हो गई बा अजीत पेंटर के, और अजीत पेंटर के डबल डबल बीवी बाकी। अभी तक आप लोगन के हम दिखौली हैं एक पत्नी अपने पति का शादी करा देने और पिक्चर का शूट होला दोने में पति का शादी, और अभी हाल में दोने में हीरो रहना है माधव राय और जो अभिनेत्री रहन है काजल यादव, और अपने पत्नी अपने पति का शादी अंजना सिंह से करवा देनी ट्रेंडिंग में रहल है भी आप लोगन के देखोली सेम उतर फिल्म का कहानी रहल भैया, लेकिन ये हकीकत वाली कहानी सच्ची घटना आपके दिखावता थी। जोने में एक पत्नी अपने पति का शादी करवा दे मंदिर में, और एक साथ दोनों पत्नियां हंसी खुशी से रह ले और पूरा 15 साल से जीवन खुशी से बीतत बा। बात करता नहीं अजीत भाई से, बहुत बहुत स्वागत बा। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। भैया के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अजीत पेंटर हैदरगंज, और इसी के नाम से हमारा चैनल भी है अजीत पेंटर के हैदरगंज के नाम से। धन्यवाद अजीत भाई। देखा था नहीं अभी तो हम एक फिल्म के शूटिंग भइल है जल्दी, पति का शादी, एक पत्नी अपने पति का शादी करवा दे ले, और तो रियल लाइफ वाला हम देखा था नहीं भैया कैसे मैनेज होत बा एक पति डबल डबल पत्नी के। हाँ भाई सब मैनेज हो रहा है, 15 साल से हो रहा है। हाँ 15 साल से चल रहे हैं साथ में, और गलती की वजह से आप सब लोग समझ आप सब लोग हमारे यहाँ पधारे हैं। गलती ऐसी हुई है कि हम मोबाइल लाकर दिए इनके दोनों को स्केच वाली, इसके बाद ये सब लोग कहने लगी कि यूट्यूब पर पैसा मिलता है। हम कहे कि यूट्यूब पर आपको आज पता चला है पैसा मिलता है, हमें बहुत दिनों से पता है कि यूट्यूब पर काम करने से पैसा मिलता है। ये सब लोग कहने लगी कि कोई जानवर भी नहीं रखे हो कि कोई उसकी उसी काम में हम सब लोग व्यस्त रहे, और घर से बाहर भी नहीं निकलने देते हो कुछ काम के लिए, और घर में रहकर हम सब लोग क्या करें। तो भाई साहब हम हार के सिलाई मशीन ला दिए, हम सोचे कि इसी में व्यस्त रहेंगे, लेकिन फिर भी उसमें नहीं व्यस्त, मतलब इसको संतुष्टि पड़ी। बहुत जिद करने के बाद हम यूट्यूब चैनल बनाए अपना अजीत पेंटर हैदरगंज के नाम से, उस पर असल लोग गाना गाकर डाल रही थी, इसके बाद हम भी उस पर कॉमेडी बनाना चालू कर दिए हैं, और बहुत अच्छे सब लोग प्यार दुलार दे रहे हैं। और दूसरा वाला हमारा चैनल फिर जब वो मोनेटाइज हो गया, एक बार दो बार पैसा आ गया, तो दूसरा वाला हम चैनल बना लिए इन दोनों के नाम से, एपी गुड़िया सुमन के नाम से, वो भी हमारा मोनेटाइज हो गया। सब कुछ धीरे धीरे चल रहा है, आप सब लोगों का प्यार दुलार मिल रहा है। धन्यवाद। अच्छा अजीत भैया ये बतावा कि कैसे एकाएक कैसन हो जाला कि एक पत्नी के रहते दूसरे पत्नी का शादी करेला, का कोनो मजबूरी रहेला कि का रहा कैसे शादी भी? नहीं भाई साहब मजबूरी नहीं थी, ये अंधा प्यार होता है जिसको, उसको कुछ सूझता नहीं है, और इनको हमसे अंधा प्यार हो गया था, और ये पूरा जिद कर ली थी कि जब तक आपसे शादी नहीं करेंगे तब तक हम जिएंगे नहीं और इस दुनिया में नहीं रहेंगे। तो हम कहने लगे कि हमारी शादी हो गई है, और इनको बहुत बताए कि हमारी शादी हो गई है, अभी एक हफ्ता हुआ हमारी शादी को, और आप ऐसा बोल रहे कहने लगे कि नहीं कोई कुछ भी नहीं, हम कुछ भी नहीं करेंगे, शादी आप ही से करेंगे। पहली पत्नी आपकी कौन है? ये है सुमन। बात करते हैं पहली पत्नी सुमन, सुमन कैसे अपने पति की शादी दूसरे औरत से करवा देती हैं और दोनों लोग एक साथ रहती हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुमन, का पूरा मामला है, कोनो मजबूरी होता है? हेलो दोस्तों, नमस्ते भैया के चैनल में स्वागत है, और हमारा नाम है सुमन। हमारी कोई मजबूरी नहीं है। नहीं कैसे कहा ऐसा मजबूरी आ जाला कि दूसरी पत्नी से शादी करवा देनी, और शादी के कितना दिन बाद शादी हो रही? शादी के एक हफ्ते बाद, एक महीने में दोनों बहन की शादी हो गई। एक महीने में दोनों बहन की शादी करवा देती है? जी। तो कैसे एक औरत अपने दिल पे कितना बड़ा पाथर रख ले कि अपने पति का शादी भी करवा दे रखा? नहीं, हमारे पति दुकान रखे थे, तो फिर रुमाल उमाल बनाते थे, पेंटिंग करते थे, जैसे आप हैं ऐसे ऐसे हम उतार देंगे आपको, तो बनाते थे। हमारी बहन गई रुमाल बनाने के लिए, तब फिर वहाँ से बात करते करते मेरे पति हमारी शादी पड़ी, फिर रुमाल बना कर नहीं दे पाए, तब बार बार कॉल करती थी, तो फिर हमारे पति बताने लगे कि ये गुड़िया नाम की लड़की है, बार बार परेशान करती है, जब घर पर रहते हैं बार बार फोन आता था, हमने सुनने लगे, तुम्हारे पति बताने लगे,
तब मैंने पूछा क्यों फोन करती है, मना नहीं करते? हमारे पति बोले हाँ हमको मना करते हैं लेकिन मानते नहीं है। तो फिर ऐसे बात करते करते एक दिन बोल बैठी हमारी बहन से, माँ से प्यार करते हैं हमारे पति से? तो हमारे पति ने फिर बोला कि नहीं हम आपसे प्यार नहीं करते हैं। फिर हमसे बताने लगे, तो हमने बोला कि जब इतना प्यार करती हैं उनसे बात करवाइए। तो फिर एक बार फिर ऐसे फोन आया, तुम्हारे पति लाकर हमको दे दिए कि लो अब बात कर लो। तो हमने बात किया, हम दोनों बहन हाल चाल हुआ। और फिर हमारी बहन बताने लगी कि दीदी हम आपके पति से प्यार करते हैं। हमने बोला जब आप इतना प्यार करती है तो हमारे घर पर आ जाइए, हम शादी करवा देंगे। तो हमारी बहन ने बोला नहीं दीदी आप ऐसा नहीं करेंगे। हम कहें क्यों नहीं करेंगे, आप एक बार तो बात करके देखिए, अगर मम्मी पापा करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम मंदिर से करवा के या फिर घर पर ला के बढ़िया धूमधाम से करवाएंगे। तो मम्मी पापा से बात की हमारी बहन, तो मम्मी पापा नहीं मान रहे थे, लेकिन बहुत कोशिश की तो माने कि मंदिर में शादी करवाए। फिर हमने लाकर धूमधाम से अपने घर पर शादी करवा दिए। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। यह बताएं, जब आप सब सुन ली, आपका पति जब सच्चाई बताऊंगा कि हमने इस लड़की पर काम कर दिया और शादी के लिए कुछ जिद खाना दिया, कैसे आपने दिल को पढ़ना बड़ा पाथर रख लो, कैसे कह दे लो दूसरा शादी करवा दे? पाथर रखने की क्या बात है दादा, आज कोनो मेहरारू ऐसा ना सोचे ले दूसरे पत्नी का नाम सुन जा रहे, लड़की नाम से बार मर दे कर नोच ले तो कैसी जा रहा है? लेकिन हमको सुनकर एक खुशी हुई कि कम से कम हमारी शादी होने के बाद हमारे पति कितने सुंदर हैं कि कोई दूसरी लड़की पसंद कर रही है शादी करने के लिए। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। पति के सुंदरता के देख के पहली पत्नी अपने पति के शादी रचा देंगे कि हमार जो कि हम पसंद करीला, वाकई में भगवान उनकी कितना सूरत और कितना खूबसूरत बनौले बाटे कि उनपे एक लड़कियाँ मरता थी। काश यह तोहरे जैसन दिमाग वाली हर पति के मेहरारू हो तो कितना बढ़िया है। चाहे क्यों रात चाहे लाल के निकल मेहरारू जरूर ऐसे मना कर रहे थे कि नहीं हम शादी नहीं करेंगे, आप ऐसे क्यों बोल रही है? तुमने जबरदस्ती किया, अगर किसी भी सबको बोल रहे हैं सब भाई लोग को कि जिसे किसी भी अगर प्यार करता है किसी से इसको निभाना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि जैसे हम किसी की बहन बेटी हैं वैसे वो भी किसी की बहन बेटी है। शादी के बाद ही तो प्यार का इजहार हुआ ना? सही है, इजहार हुआ है। तो कम से कम हमारे पति की जो पसंद कर रही थी हम शादी करवा ली। जब पति का पसंद कई लिन दूसरी युवती या दूसरी लड़की तो पति का शादी करवा दे। बात करे तानी पति से कि जो दोनों मेहरारू के बीच में खड़ा बाटे और इनसे पूछा तानी कि जिंदगी कैसन चलती है, काहे कि कबो काल हम सोशल मीडिया पे देखी ला दू ब्याह करे वाले कहता भैया जिंदगी नरक हो जाले, काहे कि एक मेहरारू से आदमी नाई, लोग यो कहला कि मेहरारू के पालब हाथी के पाले के बराबर होला। का भैया का हाल बा? एकदम मस्त है। कैसे भैया मैनेज होत बा हो? सब मैनेज हो रहा है, जैसे देख रहे हैं वैसे मैनेज होता है। हाँ, सब साथ में रहते हैं, साथ में खाना पीना, साथ में उठना बैठना, साथ में रहना, साथ में जहाँ भी जाते हैं भाई साहब, अगर कुछ भी अगर खरीदना होगा इन दोनों के लिए तो ये साथ में लेकर जाते हैं, तो दोनों लोग खरीद लेते हैं, हमें कुछ बोलना नहीं पड़ता। अच्छा जीत भैया बतावत आटी, तुम्हार शादी जब शुरुआत भैल हो एक हफ्ता पहले तुम्हारे पास प्रेमिका आ गई है, पहले कोनो प्रेम का रहे? नहीं नहीं, पहले नहीं रही थी भाई साहब, पहले हम इतना व्यस्त थे ना कि काम से नहीं फुर्सत पाते थे। हाँ, इतना हमारी दुकान चलती थी कि समझ लीजिए कि हमारी दुकान अगर 40-45 अभी भी अगर अकबरपुर में अगर आप पूछेंगे, इधर पूरे भारत में पूछेंगे तो आप लोग बता देंगे कि अजीत चंद्र वहीं के हैं। अच्छा अजीत पंचायत जी बतावा, एक हफ्ता के बाद तुम्हारे दूसरी लड़की फोन करने लगी, तो उस समय जब शादी का जिद ठान ले ली तब तुम्हारे दिमाग में क्या आया? उस समय भाई साहब जो ये शादी का अजीब ठान लिए ना, तो हम सोचे हम ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, अब लगता है कि हमारी ज़िंदगी नरक होने वाली है, क्योंकि ये कहने लगी, ये हमें ऐसे कहने लगी कि अगर शादी नहीं करोगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर जाएंगे। तो हम सोचे कि अगर इनसे हम दो दिन तक छुपाए रखते, हम सोचे बताएं कि ना बताएं, बहुत सस्पेंशन में थे भाई साहब, लेकिन हम सोचे कि अगर बता देंगे तो हमारा पर्दा भारी मतलब हलुक हो जाएगा। कि कहने लगे अगर शादी नहीं करोगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो उसी दिन सोच लिए कि अगर शादी कर लेते हैं तो भी दिक्कत हो जाएगी, अगर नहीं करते हैं, अगर कोई कुछ कर लेते हैं तो हम जेल के पीछे होंगे, और हमारी ये भी पत्नी हमारी समझ लीजिए कितना दिन हमारा इंतजार करेगी, अगर ये अपने आप आत्महत्या कर लेती है, कुछ भी कर लेती है, ये भी हमारी छूट जाएगी, ये भी हमारी छूट जाएगी। हम सोचे कि हमारी ज़िंदगी नरक होने वाली है, हम एकदम 100% सोच रहे थे। लेकिन भाई साहब इनके हम बहुत गुस्से में, उस दिन हम ये फ़ोन किए थे, हम इनको बहुत गुस्से में डालते थे,
कैसे इनसे मुलाकात हो जाए? मुलाकात ऐसी हुई भाई साहब, जैसे हमारी दुकान थी हमारे घर से 3 किलोमीटर पड़ता है वीटी बाजार, वहाँ पे हमारी दुकान थी, बहुत अच्छी चलती थी और समझ लीजिए दिन भर फुर्सत नहीं रहती थी। और रुमाल, चादर, पर्दा, तकिया, गाड़ी का नंबर, बोर्ड लिखना और जैसे किसी की पेंटिंग बनाना हो, जैसे आपकी पेंटिंग बनाना है तो 10 मिनट में हम बना देंगे स्केच, और अगर पूरा फुल पेंटिंग बनाओगे 3.5 घंटे में आपको, जैसे आप स्टूडियो से उतनी अच्छी फोटो नहीं पाएंगे जिसने इसे हम हाथ से बनाएंगे। हाँ, तो इतना समझ लीजिए कितना प्रचार था हमारा। और इसी बीच में ये हमारे से रुमाल बनवाने आती है, इनकी सहेली इनके स्कूल में लगा था रुमाल, और इनकी सहेली बनवा के लेकर जाती है, कहती है हमारा पेपर में सबसे अच्छा नंबर आएगा, अब देखते हैं किसका हमसे ज़्यादा नंबर आएगा। तो कहने लगी कहाँ से बनवाई हो, तो उनकी इनकी सहेली इनको बताई नहीं कि हम कहाँ से बनवाए हैं, ये पूछते पूछते हमारी और इनका घर हमारे दुकान से 27 किलोमीटर की दूरी पर है, तो पूछते पूछते हमारी दुकान पर पहुँच गए और पहुँची, उसके बाद हमको रुमाल भी पहुँचते ही कहने लगी भाई साहब आपकी दुकान हम रहते हैं लगभग 1.5 घंटे शहर रहे बीटी बाजार में, पूछते पूछते पहुँचे हम, कहे चलो ठीक है। रुमाल देती है बनवाने के लिए 3 रुमाल और इनसे हम बता देते हैं कि हमारी शादी पड़ी है 1 हफ्ते में, हो सकता हम ना बना पाएँ। ये कह रहे हैं कि भाई साहब अगर नहीं बना पाओगे तो हम अपने स्कूल में पैसा दे देंगे, प्रिंसिपल में कोई दिक्कत नहीं, अगर हमारा बन जाता है तो हमारी सहेली से तो अच्छा रहेगा। तो हम कहे चलो ठीक है, जब इतना विश्वास है हम ले लेते हैं, बनाने के ले लिए और ले लिए। इसके बाद 1 हफ्ते हमारी शादी थी, हम इसके नेवताहर अकाली में बच गए, निमंत्रण बांटने में। कितने भाई हैं भाई? 4 भाई हैं और 1 भाई हमारे अलग हैं, बाकी 2 भाई हमारे साथ हैं, वो प्रदेश में हैं, अपना अपना देख रहे हैं और लेकिन आते हैं तो रहते हैं हमारे में। और इसके बाद जब ये रुमाल देकर गई तो जिस दिन हमारी प्रयोग पहुँचती उस दिन दुकान पर फिर पहुँचती है, कहने लगी कि भाई साहब फ़ोन करके वहाँ बोर्ड से नंबर लेकर कहने लगती है कि भाई साहब रुमाल बनाए हो, हम कहने लगे कि आज हमारी प्रयोग भोज आप कहाँ रुमाल बना पाएंगे, ये कहने लगी चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं है हम पैसा दे देंगे, हमसे चलो ठीक है। फिर 1 घंटे बाद फ़ोन करते हैं तो हम कहें आप क्या दिक्कत है, कहने लगी कि दिक्कत नहीं भाई साहब इतना अच्छा गाना लगाए हो कोई सुन रहे हैं। कौन सा गाना ऐसा था कि वो लगातार सुन रही थी, कौन सा? अभी से पूछिए भाई साहब, अभी से बात करते हैं। अब देखिए अब आ गए, अभी तो पहली पत्नी और पति, अब दूसरी पत्नी से बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। हेलो दोस्तों नमस्ते, प्रणाम भैया के चैनल में स्वागत है, मेरा नाम है गुड़िया। गुड़िया जी, कौन ऐसा गाना रहल है कि जोने गाना से तू लोभा गई और एक बिहूता पति से शादी रचा ले? कौन सिंगर गाना था लगावे लू जब लिपस्टिक खिलेला सारा लिपस्टिक टॉप लागे लू, जब लगावे लू तू लिपस्टिक खिलेला आरा दिखती और जिला टॉप लागे लू। गाना आपके पसंद आ गया पवन सिंह का गाना, और पसंद आ गए तो लगातार कितना बार गाना सुन? बहुत बार सुन। उस समय उम्र का रहा लक्के में पढ़त वाली 16 साल की उम्र में, और पढ़त के में रहू हाई स्कूल में। हाई स्कूल के जब तुहार पेटकल होला और रुमाल बनवावे इनके दुकानी पे आ जाली, जब पहला मुलाकात होला तो का पहले मुलाकात में पसंद हो गए ना कि गाना नहीं बस गाना सुन रहे थे सब समय? तो कैसे कहा भाई पूरा जब गाना सुन लू तो कहा कहा गाना सुनते थे तो बार बार कॉल करते थे तो कहते हैं क्यों बार बार परेशान कर रहे हैं, हम ये कुछ नहीं बस ऐसे गाना सुन रहे हैं, तो कहीं कितने बार सुना जाता है हमके, अब सुन रहे हैं अच्छा लग रहा है तो सुन रहे, कहे बार बार कॉल मत करिए नहीं तो हमारी मैडम अगर देखेंगी तो पूछेगी किसका बार बार फोन आ रहा है, उनके ठीक है नहीं करेंगे, एक बार डांट वाट दिए फिर कुछ देर तक नहीं किए, 10 बार सुना तो उसके बाद फिर मिलाए, तो ऐसे ऐसे फ़ोन करते थे कई दिन तक फ़ोन किए थे, तब एक दिन तो हम बता दिए उनसे कि हम आपसे प्यार करते हैं जी, आप इधर कर दी जी, आप इधर कर दी जी, 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 हम कहे हम आपसे प्यार करते हैं। आज तक जो लड़की न्याय सुन रहे हैं कि लड़की का कोई इजहार करें लड़की की तरह से है, हाँ लेकिन हम कहे थे उनसे तब का कहे जब इजहार आप कहे नहीं हमारी शादी हो गई है, है? हम आपसे शादी नहीं कर सकते, हमारी शादी हो गई है, हम कहे कुछ भी करिए हम शादी करेंगे तो आप ऐसे पहले प्यार है पहले शादी करूँगी नहीं, हम पहले शादी करने के लिए कहे थे हाँ, बात जब बात वक्त करते थे ना तब भी एक बार बोले थे तो कहे नहीं हम नहीं करेंगे, फिर दूसरे दिन फिर फोन किए हम सभी आप ऐसे करेंगे कुछ भी कर लो है, आप कहलू कि कितनो बतियावा उतियावा लेकिन बियावा तो ही से कर, तू तो जान चलू इनका शादी भाई ना करे बाद मेहनत कैसी होती, हम जा रहे थे शादी लेकिन फिर भी हम कहे थे शादी हम करेंगे आप ऐसे कहीं शादी होगी हम कुछ भी हो जाए लेकिन शादी आप ऐसे करेंगे, हाँ कह नहीं हमारी शादी हो गई हम के कुछ भी हो जाए लेकिन हम शादी करी हो गई हो ना हो गई उससे वो मतलब हमारी मर्जी नहीं, हम शादी करने हमारी मर्जी तो शादी आप करेंगे,
आपने जिद बना लिया, सरिया करेंगे तो भाई आपस करेंगे, उसके खातिर कुछ भी हो जाए। तब शादी हो गई? हाँ तो शादी हो गई। मम्मी फिर बोले, मम्मी कहीं नहीं उनकी शादी हो गई है, हम कहे नहीं हम शादी करेंगे उन्हें से, तो बहुत परेशान कर हम मम्मी मानी, फिर मंदिर से शादी करवा दी, फिर यहाँ ला के फिर अपने जनाब से फिर शादी वादी करवा। अच्छा यहाँ भी धूमधाम से शादी? यहाँ पे है, जो भी पैसा बचा था वो भी इनने कहीं है, जो भी पैसा बचा है तो भाई साहब हमारा जयमाल फिर चला गया। अच्छा जब ससुरारी में पौले उले रहला है, हाँ वो सब सब फिर शादी में कर, शादी में बहाल होगा, फिर शादी में। अच्छा तो ससुरारिया वाले ने क्या कहना जब पहले पत्नी ससुराल वाले जान नहीं पाए थे एक महीना तक, है धीरे धीरे जान पाए, सहमत हो गए हैं, कहने लगे कि लड़का कमाता है कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है पार हो जाए, हो रहा है। तब बतावा गुड़िया अब इस समय तेहन बचन के कैसे जिंदगी चलत है? तो का कहबू कि हर पत्नी के चाहे कि अपने पति के दो तीन तीन शादी करवा? नहीं भाई हम ऐसा नहीं कर सकते हैं दर्शकों को अपने, अब जैसे हम लोग मैनेज कर ले रहे हैं, इस तरह कोई कर नहीं पाएगा, एक पति और एक पत्नी में मतलब बैठता नहीं है, मेल व्यवहार से नहीं रह रहे हैं, कहीं छोड़ के भाग जा रहे हैं, दूसरी कर ले रहे हैं, तीसरी कर ले रहे हैं, तो हम ऐसे नहीं करेंगे भाई। वो आप मतलब पब्लिक का मर्जी है, उसकी मतलब उनका जो मर्जी है, तो अगर हम उनको नहीं कर सकते हैं, बाकी हमारे जैसा तो कोई कर ही नहीं पाएगा। तो जैसे तुम्हारे दीदी तो हमको छोड़ दे शादी कर ले, भाई दादे कहीं तीसरी भी लाइन में लगल हुआ सबका दीदी लिखा आप ना कह दे? नहीं हम नहीं करेंगे, क्या है हम नहीं करेंगे, हमारी मर्जी है, हमारी दीदी करवा दी, लेकिन हम ऐसे नहीं कर सकते। दीदी राजी हो जाए, जैसे कहा ना कि चंदा भाभी की है, जब जाली तब पांच पांच लड़कन के छोड़ के लोग पति लोग कमाई चल जाना, इनके बड़ा दया वाला तो ही दया में कह जाना कौन सेटिंग हो गई है, तो लेके जाएंगे कहीं बाहर रहेंगे, हमारे घर पे एंट्री नहीं है रहने के लिए। कहा भैया कहा कहा बड़ा बड़ा दया बड़ा दयावान हो तुम। सही है भाई साहब, लेकिन दया तो आती है, जैसे समझ लीजिए कि जो मर्द समझ लीजिए कि शादी करने के बाद है, अगर 6-7 साल में खटाखट 3-4 बच्चे पैदा करता है, समझ लीजिए कोई धोखा देगा, कोई धोखा है उसमें है। अगर भाई साहब शादी करिए, इसके बाद 2-3 साल तक उस आदमी को पहचानिए पहले, जिसके साथ आपकी शादी हुई है वो आपको जानते, अब उसके जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, अगर शादी हो गई है पहले उसको 2-3 साल पहचानिए, पहचानने के बाद तब बच्चा पैदा करिए ना, पहुँचने के बाद खटाखट 6-7 साल में बच्चा पैदा कर देते हैं, इसके बाद वो चला जाता है शहर, वहाँ पे रख लेता है, इधर झेलती है लेकर 4-4 बच्चे लेकर। वही बताना चाहते हैं सभी से कि भाई साहब दर्शक लोग ये समझ करिएगा, जो भी करिए किसी को धोखा मत दीजिए, आप जैसे खुश रहे। हाँ खुश रहे भाई साहब, एक में रहो खुश रहो, और 4 दिन की जिंदगी भाई साहब कब किसको क्या हो जाए कोई पता नहीं है। कोरोना आया था, आदमी को नंबर डिलीट करते 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 क्या होगा भाई साहब, कहीं पता लगता था उस गांव में 2 लोग, कहीं पता चलता था उस गांव में 4 लोग, ऐसे कोई आ गया भाई साहब तो उठा के लेकर चला जाएगा। 4 दिन की जिंदगी है, जहाँ रहो मस्त रहो, किसी का बोझ लेकर मत जाओ। गुड़िया बतावा, जो लोग जो पति लोग तुम्हारे वीडियो की देखत बाटा, भगवान करे कि तुम्हें तो जैसा पति सबके मिले? नहीं आप जैसे हमारे पति आज 2 शादी कर लिए हैं, आप इसी मतलब इसी मैटर से आप बोल ही रहे हैं कि हमारे हस्बैंड 2 शादी कर लिए हैं, आप कह रहे हैं कि सबको पति मिल जाए 2 शादी कर ले, ऐसा नहीं हो सकता है, मिल जाए और आपकी दीदी जैसे सबको पहली पत्नी उनसे मिले। हाँ मिले, लेकिन वो मिल ही नहीं सकती है ना, कर ही नहीं पाएगी, 2 बहन में पति नहीं बैठता है, तो समझ लिए हम लोग तो अलग अलग से आए हैं। ये बतावा क्योंकि बहनी कहता थी कि हमारी बहनी है, तो तू बहनी इनका रहो, बहन हो इनका, तो तू आज साली है ना? वो सुल्तानपुर से हैं, फैजाबाद से। अच्छा फैजाबाद से सुल्तानपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूरी, दो जिला का फर्क बा, सुल्तानपुर फैजाबाद, सुल्तानपुर बहन बहन कहली तो हमें लगे लेके जाना की बहनिया के शब्द बना के लगभग 42 किलोमीटर की दूरी पर है। भैया हो देखा करते हैं आप लोगन के दिखावत आती कहानी हकीकत वाली बात कि यहाँ पे भैया के डबल डबल पत्नी और दोनों तरफ से कस के बातें, तब बिस्तर तक खूब लड़ाई होते ना, ऐसे कोई बात नहीं भाई साहब, कभी झगड़ा नहीं हुआ है।
बतावा बिस्तर तो कहा हो गए थे, लड़ाई तो होता है नहीं कभी नहीं कभी लड़ाई नहीं होला। बात करता नहीं हम बड़की भाव जाए थे क्या हाल चाल बा तो देखा था नहीं कि बिस्तर तो लड़ाई तो होता है भाई कभी नहीं तो क्यों लड़ाई होगा। अरे भाई उनके और मुँह कर तुम्हें तो चुका तो हमारे हमारे गोर का नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो समाज का सोचने में गलत है लेकिन हम तीनों लोगों में कुछ नहीं होता है, जैसे देख रहे हैं ऐसे होता है। तो सेवा वा इनकर कैसी होला? हम दोनों मिलकर करते हैं। मिलकर करी कैसी सेवा होला इनका? बहुत अच्छे हैं। है वही घीटी घीचा में सभी नहीं हाथ और पति एक पत्नी दू जब भैया कोनो बात हो तो ही कहत है ना हमारे कमर में चला नहीं कहीं कहीं नहीं हो गई ये ड्रांसर बन गए भाई साहब का डायलॉग आपका बहुत पुराना है गड़बड़ में हो जाके नहीं कैसे होगा बहुत अच्छे से भाई साहब भाई साहब से क्या हो गया भैया ये भैया देखाई हंसी खुशी वाली जिंदगी कितना मजेदार बा। इहो लगत बा 16 सोमवार के व्रत करते हल हम शंकर जी के पूजा तहल हम शिवरात्र में निराजोल रहत हल हम तब जाकर के इनके जैसन हमार दोनों नैना बा और सब दोनों नैना के तरह इनके नैना और मैना मिल गई। कितना व्रत रहा था भैया? कुछ नहीं रहे भाई साहब। आप तो व्रत रहते भाई साहब? आप कुछ नहीं लग जाता है कैसे ममा है ममा कैसे हो जाता भैया नहीं सोमवार के व्रत रहना हम नहीं दोनों जो रहने कैसे इतना सुंदर बोर मिल गए और इतना सुंदर दोनों लोगों की पत्नी मिल गई। ये तो भैया देखा भोले नाथ हमारे लाइफ में एक लोग जुड़े थे कह रहे थे भाभी अगर एक कॉलर ट्यून हम भी लगा लेंगे तो मतलब आप हमको पसंद कर लेंगी। गाना तो पुराना हो गया। हाँ भाई साहब जैसे 9 बजे हर पर डे भाई साहब जिसको झूठ लग रहा हो 9 बजे हम सब लोग पर डे लाइव भाई साहब कब से आप बोलते हैं इनका सुनते हैं लाइव आते हैं 9 बजे पर डे रोज 9 बजे लाइव आते हैं 9 बजे से 11 बजे तक हम सब लोग लाइव रहते हैं। बहुत हंसी मजाक होता है हमारे लाइव में मजा आता है। कहा है लाइव बताए चैनल का नाम बताए सब अजीत पेंटर हैदरगंज के नाम से हमारा चैनल है भाई साहब और हम सब कॉमेडी वीडियो बनाते हैं अच्छी अच्छी वीडियो बनाते हैं आप सब लोग जाइए देखिए परिवार को बैठ कर देख सकते हैं परिवार के साथ कोई दिक्कत नहीं है। और 9 बजे रोज लाइव आते हैं तीनों लोग मिलकर लाइव रहते हैं 9 बजे से 11 बजे तक वहाँ पे सबसे बातचीत होती है हंसी मजाक होती है और 2 घंटे कब बीत जाता है आपको पता नहीं चलेगा। आप स्वागत है हमारे लाइव में बहुत सारे आदमी भी जुड़े और दूसरा हमारा भी चैनल है भाई साहब 8 बजे से 9 बजे तक उस पर लाइव रहते हैं एपी गुड़िया सुमन पे इन दोनों का चैनल है। भैया अजीत पेंटर सुमन और गुड़िया भाई साहब वाली भाई साहब लाइव अब इन के हम कहानी के आपके समझावत अब ने समझा कहानी भैया ये बाकी अजीत पेंटर के दुकान रहल है और पेंटिंग वाला और दुकानी पर कढ़ाई बुनाई सब कुछ काम करता है हमें तले हाई स्कूल का जो लड़की रही नहीं इनके स्कूले पर लग गए पेटकल में कि दस्ती पर कुछ बना उना के अलावा बढ़िया नंबर मिल जाए। ये पहुँच गए नहीं अपने सहेली से पूछ लेने कोने पेंटरी के दुकानी पर बनमौलू ये 20 किलोमीटर से खोजत अजीत के दुकानी पहुँच गई। गुड़िया अजीत के दुकानी पर पहुँच लेन तो अजीत के वही समय शादी के डेट पड़ गई रहा शादी में बेचारा शादी में परेशान रहे बाद इनकर जैसे एक हफ्ता में भैया शादी हो जाले और उधर गुड़िया परेशान बाटिन की हमार अब बहन तब पेटकल तब माथे पे आ गई बा लेकिन हमार रुमाल तैयार ना भेल तब तक गुड़िया फोन लगा देली अजीत पेंटर पर और फोन लगावे तो गाना बजेला तो लगावे जब लिपस्टिक हिले ला यार लिपस्टिक गीला टॉप लगेलू भैया ये गाना इनके इतना पसंद आ जाला कि जैसे अजीत के शादी के तो नाम सुनल ही रहन कि अजीत के ब्याह हो गए बा और ओकरे बाद धीरे धीरे अजीत के इतना फोन कर दिन अजीत परेशान हो गए ओकरे बाद कहना है काहे बार बार फोन करता रहू कहने अरे हमार रुमलिया बहन आयल नाई रुमाल तो हमार चाहिए
भैया हो बतावत तानी खत्म हो वाला बात सिस्टम तब करे बाद एक परेशान हो गए ना कहना तुम्हारे गाना भाई साहब बहुत लाजवाब लगोले बाटा और पहले वाला ही जो स्मार्टफोनवा चलत ना रहा ना की पैड वाला फोन चलता है ओकरे बाद गाना इनके पसंद आ गए और ये कहें भाई साहब हम तोहरा से मोहब्बत करीला प्यार करीला और तय और तोहरा से शादी भी करब और इनकर बेचारे के एक हफ्ता भाई पहले शादी भई लहले ये तो उड़ी गई ना इनके पैर तर जमीन खिसक गए लगत भाई ये का करब अभी तो एक हफ्ता पहले शादी भई दूसरा भाई साहब दूसरा मामला कहाँ से आ गए लेकिन ये अपने पत्नी के मामला बताऊना पत्नी बड़ी समझदार रहलिन है और इनके जो भी मामला रहल के समझलिन कहने लावा और हमार पति कितना सुंदर बात है कि उनके लड़की पसंद करता थे और उसके लावा उनके शादी मंदिर में करवा दें और अजीत पेंटर का शादी मंदिर में हो जाला और आज 15 साल हो जाला 15 साल में आप लोग देखिए कितना हंसी खुशी से लोग बात है बनल हमारे चैनल के साथ तब तक के लिए नमस्कार और प्यार दुलार से बात बनावा जय हिंद।